राइट right, चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे फ्राइडे के लेट शो में आज थोड़ा सा लेट हो गया और एक मिनट चार्जर भी लगाना पड़ेगा मोबाइल में चार्जर थोड़ा सा कम है चार्जिंग सॉरी थोड़ा ओके मेड इट राइट कोई मुझे मजाक नहीं चाहिए और ऑल गुड थैंक यू सो मच गाइज बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए जो भी हमारे साथ मैं यूट्यूब और टिकटॉक पर जुड़ रहे हैं उन सभी का शुक्रिया आज थोड़ा सा शॉर्ट सेशन करेंगे फ्राइडे का एंड uh, uh, सबसे पहले धमाकेदार अनाउंसमेंट हम करना चाहेंगे कि ये जो हमारा पूरा सेशन जो हम अभी कर रहे हैं सो नेक्स्ट फ्राइडे से ये हमारा सेशन पब्लिक uh, सेशन नहीं होगा नेक्स्ट फ्राइडे से ये हमारा सेशन प्राइवेट सेशन हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट फ्राइडे से हमारे जो भी मेंबर्स होंगे यूट्यूब चैनल के वो सारे मेंबर्स ये सब देख पाएंगे सो so, यस yes, ये लेकिन जस्ट फ्राइडे के लिए बाकी हमारा मंडे टू थर्सडे का जो सेशन होगा वो पब्लिक सेशन रहेगा जैसे नॉर्मल एज नॉर्मल चलेगा और जो हमारे मेंबर्स बनेंगे वो हमारे नॉर्मल सेशन भी देख पाएंगे और मेंबर स्पेशल भी देख पाएंगे और जो मेंबर्स वाले जो आ, हमारे सेशन वो देखेंगे उसमें उनको स्पेशल वो स्टिकर्स वगैरह दिए जाएंगे सो ये वो यूज कर सकते हैं स्पेशल स्टिकर्स और स्पेशल थिंग्स दैट्स इट बेसिकली हम नया ये मेंबरशिप का हमने यूट्यूब ने ऐसे प्रमोट किया था कि मेंबरशिप आप कर सकते हो लाइव कर सकते हो तो चलो मैंने जो कर लेते हैं ना सो नाउ वी आर ट्राइंग दैट सो आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को फ्राइडे को ये होगा उसका मेंबरशिप का प्राइस हमने टेन डॉलर रखा है टेन डॉलर पर मंथ का प्राइस है तो हर एक महीने में आप अपने जो हर फ्राइडे का लाइव अटेंड कर सकोगे जिसमें से आपको मेंबर्स के सारे बेनिफिट्स जो भी जो भी मेंबर्स के बेनिफिट्स होंगे मान लो कि चलो कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना है कोई जो बाकी चलो जो आप मेंबर्स हो अगर आप उस ग्रुप में मेंबर हो अगर आप लाइव चैट में आते आते हो तो आपके गारंटीड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे दैट्स माय गारंटी वहां पे लिखा है मैंने कि गारंटीड सभी के आंसर मिलेंगे And सभी को एक्स्ट्रा uh, क्या दे सकते हैं क्या और एक्स्ट्रा दे सकते हैं uh, कि चलो ये एक्स्ट्रा सबके आंसर दे देंगे हंड्रेड परसेंट सबको एक स्पेशल एक्सेस दे देंगे कि ये आप कर सकते हो अगर आपको कोई ईमेल वगैरह करना है तो उसका एक स्पेशल चैट का कोई एक्सेस दे देंगे एंड यस दैस वॉट आई थॉट अबाउट इट सो फार लेकिन और कोई आइडिया नहीं मिल रहा है लेकिन अगर कोई आइडिया मिल सकता है आपको तो बताइएगा फॉर दिसडे का हमारा एक सेशन मेंबरशिप सेशन होगा सो नेक्स्ट फ्राइडे से ये हमारा लास्ट फ्राइडे है एज ए नॉर्मल सेशन नेक्स्ट फ्राइडे से सेशन होगा लेकिन सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा मंडे टू थर्सडे हमारा सेशन एज यूजल रहेगा थैंक यू ऑलराइट राइट जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको थैंक यू सो मच एंड वेलकम जय कृष्ण थैंक यू शांतन हाय सर होप योर ऑल योर इनविटेशन विल अप्रूव लाइक हायर पॉइंट्स इन ई और वर्क एक्सपीरियंस और स्किल प्रोफाइल और लक हाय सर हाउ द इनविटेशन विल अप्रूव लाइक हायर पॉइंट इन ई और वर्क एक्सपीरियंस और प्रोफाइल और लक ओ वाह शांतन

इसको करते हैं बंद और यहाँ पे जाते हैं रिटेल फार्मासिस्ट रिटेल फार्मासिस्ट में अगर आप देखेंगे तो बैकलॉग ओके बैकलॉग फॉर द रिटेल फार्मासिस्ट आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे आ, और ये यार नाइनटी नाइन हंड्रेड सॉरी ये देखो सेवेंटी पॉइंट्स पे वाओ वाओ धन्यवाद है उन सभी के वी के सक्सेसफुल हमारे फार्मासिस्ट को थैंक यू सो मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक नैफ कोर कम्युनिटी और वेलफेयर वर्कर का अभी तक क्यों इनवाइट नहीं आया है नेव जी आपकी बात बिल्कुल सही है नहीं आया है लेकिन क्यों नहीं आया है उसका रीज़न हमारे पास नहीं है और हमारे हम आपको नहीं दे सकते हैं हम ढूंढ रहे हैं वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन की रीजन क्या है लेकिन जैसे ही कुछ रीजन मिलेगा हम आपको बताएंगे लेकिन अभी तक राइट नाउ वी आर नॉट श्योर सो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा थैंक यू रिकिन रिकिन जी sir, रिकिन जी सर सर इट्स बीन आई एम फॉलोइंग योर लाइव सेशन आप हो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपने कितने सारे हमारे एपिसोड सारे लाइव सेशन के देखे हैं मोस्ट ऑफ द एपिसोड में आप फर्स्ट uh, फर्स्ट uh, रहे हो लाइक अटेंडिंग फर्स्ट लाइक टुडे एंड यस थैंक यू सो मच एंड टू एंड सारे आपने अटेंड किए हैं आप हमारे बहुत ही सारे बड़े फैन रहे हो सर थैंक यू सो मच उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यू आर माय वन ऑफ द टॉप फैन तो आपको तो मतलब कोई बात ही नहीं है थैंक यू सो मच फॉर इतना सारा ट्रस्ट रखने के लिए इतना सारा सपोर्ट करने के लिए और इतना सारा भाईचारा रखने के लिए हमारे साथ सो थैंक यू सो मच हमारा मतलब क्या बोले सर हमारा हमारे घर वाले भी हमें इतना फॉलो नहीं करते इतना आप करते थैंक यू बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स सो मच

सर मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी में साउथ ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया और एन ये तीन हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी है वैसे ना नहीं बोल सकते रिन्यूएबल एनर्जी बट लेट नॉट स्पेसिफिकली बट एनएसडब्ल्यू और विक्टोरिया ने तो स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी में ही बताया था कि दे विल गो विद रिन्यूएबल एनर्जी तो यस दो सैयद यासे जी सैद जी थैंक यू कल हमने आपको याद किया था कहाँ थे आप कल कल आपको इसलिए याद किया था कि आपके कोई सिमिलर प्रोफाइल आया था थैंक यू सर हाउ यू अगेन डिसपॉइंटेड नो लक फॉर मी दिस राउंड एज़ वेल यस नॉट दिस राउंड आपका बहुत ही डिसपॉइंटेड राउंड हो गया ये uh, क्या बताएं रवि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स आई डोंट हैव एनी वर्ड्स सो सॉरी फॉर दैट आई फील सो सॉरी सो सॉरी फॉर यू नेव बता रहे हैं कोई चांसेस है बैकलॉग दिखा दो अः नव जी अभी डेफिनेटली आपको कम्युनिटी और वेलफेयर वर्कर दोनों के बैकलॉग तो दिखा देते हैं चलिए कम्युनिटी वर्कर सर जी कुछ करना पड़ेगा राइट ऐसे नहीं चलेगा नैब जी ये आपका कम्युनिटी वर्कर है मैं आपको वेलफेयर वर्कर भी दिखा देता हूं और ये है इनवाइटेड ये है इनवाइटेड और ये है लॉजड और ये है लॉज थोड़ा सा आपको अगर फास्ट लगता है तो आप थोड़ा वापस आके या ये जब सेशन खत्म हो जाएगा ना उसके बाद ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगी अपलोड तो आप ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा या ये वीडियो थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा ये देखिए वेलफेयर वर्कर में तो कहीं नहीं आया है किसी का भी वेलफेयर वर्कर में लास्ट सिक्सटी डेज के अंदर सिर्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वन और विक्टोरिया में फोर नाइन वन सेवेंटी पॉइंट्स पे दैट्स इट और कुछ नहीं आया इसलिए यस यू आर राइट नहीं आ रहे हैं लेकिन पहले काफी आए हैं तो आएंगे तो थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए ये करंट आपका बैकलॉग है थैंक यू सो मच ओके बहुत बहुत शुक्रिया और राइट धुरबा सर कैन वी काउंट कैजुअल फुल टाइम वर्क फॉर थ्री इयर्स एक्सपीरियंस फॉर वन एट सिक्स एज अ शेफ यस इफ इट इज आफ्टर क्वालिफिकेशन यस वी कैन काउंट एंड आफ्टर स्किल असेसमेंट देन इट विल बी नाइस वेरी ग्रेट Okay, Narayan Karelji, uh sir, how you? Would you be sure that employer will be give me one eight six after one eight two? No, 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 no. I don't. I'm not sure. How how would it be sure that employer will be give one eight six? They they uh, they anyway they like to uh, create contact contract paper. Thanks. Um. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाना चाहो तो बना सकते हो यस इफ यू वॉन्ट यू कैन आस एम्पलॉयर टू प्रिपेयर एन एट सिक्स का भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना आप अपने को बोल सकते हो। पी आर एप्लीकेशन यस यस यू कैन डू इट आप पूछ सकते हो टेक्नोवल्स हेलो सर कैसे हैं सर थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी सर मे बी ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी रेडी विद द लेटर हेड स्टेम्प साइन इन टू डेज वुड यू प्लीज चेक ऑल द वंस पर्सनली यू नो व्हाई थैंक्स ओके यस अजय जी आई विल चेक देम थैंक यू नो वरीज मोहम्मद काशिफुद्दीन सर व्हाट आर द चांसेज फॉर द आई ट्रेनर चांसेज फॉर आई ट्रेनर सर वैसे देर आर गुड चांसेस फॉर आई सी टी ट्रेनर आई वुन से चांसेस नहीं है बिकॉज आईसी टी ट्रेनर के लिए आपको बैकलॉग जस्ट आईसीटी ट्रेनर आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे दिस इज बैकलॉग फॉर आईसीटी ट्रेनर इतना ज्यादा बैकलॉग नहीं है इतने ज्यादा एप्लीकेट नहीं है लेकिन अगर आप इन्वाइटेड देखो तो ए सी टी ने ही सिर्फ इनवाइट किया है बाकी कोई स्टेट ने इनवाइट नहीं किया है तो अगर आपका बाकी कोई स्टेट इनवाइट करते हैं तो दैट्स गुड अगर आप पास्ट में देखो इन नो प्रीवियस हिस्ट्री सो एसीटी साउथ ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया ने किया है 190 और 491 दोनों तो अगर वो स्टेट फिर से करते हैं देन यस इट्स ग्रेट आपका इन्वाइट आ सकता है अगर वो नहीं करेंगे तो शायद थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको लेकिन ओवरऑल एज ए ट्रेनर यू हैव वेरी गुड स्कोप आपका स्कोप बढ़िया है Uh, काफी uh, इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है आपके जितने दूसरे आई सी टी ऑक्यूपेशन में आपको दिखा दिया है कशनील स्वामी हेलो सर कैन यू शो द प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इनविटेशन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनविटेशन सो फार प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के इनविटेशंस आपको देखने हैं सर आपको इतनी ज्यादा सफलता नहीं दिखाई देगी मुझे पता है लेकिन ये देखिए क्विंसलैंड में सिर्फ आए हैं बाकी और, और कहीं पर इन्विटेशन नहीं आए हैं अजय जी बता रहे हैं कि कैन यू प्लीज चेक द बैकलॉग ऑफ इनवाइटेड फॉर ऑक्यूपेशन मिक्स क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक मिक्स क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक ओके अजय जी इनवाइटेड मिक्स क्रॉप एंड ये रहे हमारे मिक्सड क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक और बैकलॉग में जाएंगे और इसमें इनवाइटेड में जाएंगे तो एनएसडब्ल्यू में सेवेंटी पॉइंट्स पे इनवाइट आया है एंड ये इन्फॉर्मेशन है अभी तीस दिसंबर uh, तक का है ना तो अगर कोई और इनवाइट आया है तीस दिसंबर के बाद तो ये उसके बाद क्या है तो नेक्स्ट मंथ के डाटा में शो करेगा तो आपने मुझे जो भेजा था वो नाइन्थ ऑफ नवम्बर नाइन्थ ऑफ जनवरी का था शायद राइट तो ये नाइन्थ ऑफ जनवरी के बाद का होगा तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा लेकिन ये यही था कि नहीं और दूसरा वाला था नहीं श्योर आई एम नॉट श्योर लेकिन यस दिस इज ऑन द डाटा ऑफ डाटाबर तो दिस इज एन एस डब्ल्यू एंड सेवेंटी पॉइंट पे इनवाइट आया है बाकी कोई इनवाइट नहीं है थैंक यू ऑल राइट के टी ट्वेंटी वन चांसेस फॉर सिविल इंजीनियर विद सेवेंटी फाइव प्लस फाइव पॉइंट फॉर वन नाइनटी फ्रॉम ऑफ श्योर ओके चांसेस फॉर सिविल इंजीनियर विद सेवेंटी फाइव प्लस फाइव पॉइंट

अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड सो मैंने अभी नहीं लिखा था लेकिन मुझे लिख देने दीजिए आई विल जस्ट पुट सम बैनर ऑन दिस कि कोई सुपर चट ना करे बिकॉज आई माइड नॉट बी एबल टू टेक इट सो ओके सो नो सुपर चैट्स टूडे प्लीज और राइट एंड उसको कुछ बोल्ड वोल्ड कर देते हैं एंड uh, क्या करेंगे आई डो नो कलर में बैकग्राउंड बैकग्राउंड कर लेते हैं हाँ हम्म गुड सो नो सुपर चैट्स टुडे प्लीज ओके ठीक है ओके कोई सुपरचैट नहीं करेगा अभी Uh, आ गया ना सभी जगह पे यूट्यूब वगैरह पे तो आई uh, होप कि वहां पे सभी को डिस्प्ले हो रहा होगा कोई सुपर चैट प्लीज मत कीजिएगा आज थोड़ा सा थोड़ा सा शॉर्ट सेशन हो रहा है तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई माइट नॉट बी एबल टू आंसर ऑल द सुपर चैट्स सो यस देर इज समथिंग आई नीड योर हेल्प विथ और उसके लिए माफी मांगता हूँ लेकिन प्लीज उसके लिए हेल्प कर दीजिएगा ओके okay. सो so, uh, ये इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पे एंड या ओके सो अभी चलिए लेट्स 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 हैव मूव ऑन टू द नेक्स्ट सुपर चैट पहले मैं खत्म कर देता हूँ लेकिन फिर उसके बाद कोई सुपर चैट नहीं करेगा थैंक यू सो मच एंड यहाँ पे भी मुझे लिख देना था नो सुपर चैट्स लेकिन दैट्स ओके विनीता रोहरा जी विनीता जी थैंक यू सो मच आपके सुपर चैट के लिए लेकिन विनीता जी ने बताया है कि विनीता ओके दिस इज हेलो सर होप यू आर वेल आई एम गुड थैंक यू इफ यू हैव रिसीव्ड 491 इनविटेशन इज देयर एनी होप स्टिल वी रिसीव 190 इनविटेशन और नॉट थैंक यू विनीता जी डिपेंड्स ऑन द स्टेट एनएसडब्ल्यू में होप है विक्टोरिया में और विक्टोरिया uh, uh, में होप नहीं है तस्मानिया में होप नहीं है एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी शायद होप अभी नहीं है नए सिस्टम में जब से आर आ गया है तब से पहले होप था लेकिन मतलब इन दैट इन दैट के कुछ स्टेट्स uh, में होप्स हैं एन में मोस्ट लाइकली होप्स हैं, बाकी कहीं पे होप्स नहीं है सो बी केयरफुल थैंक यू नेक्स्ट सुपरचैट इज फ्रॉम मिस्टर सुमन जोशी सुमन जी थैंक यू सो मच आपके लिए एंड सुमन जोशी जी का सुपरचार्ट है माई हस्बेंड इज अ प्राइमरी एप्लीकेंट वी आर द पावर कपल नाव वी डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर वन इके इन स्टेड माई कंपनी इज रेडी टू स्पॉन्सर मी My salary is a USD 200k in Singapore dollars, but I understand the skill in demand specialist visa is not available yet. Please suggest the best visa I should go for. Okay, uh, Sumanji, and is also uh, should not affect our family's 190PR visa in any way if I go for temporary visa suggested by you. वॉट डू आई नीड टू डू आफ्टर रिसीविंग गुड क्वेश्चन आप जो क्लैरिफाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके लिए मैं आपको फिर से बोलूंगा मैं आपके ने, अपने जितने क्वेश्चन पूछे है वो आपको सारे क्लियर कर देता हूँ लेकिन आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप एक बार कंसल्टेशन मुझसे या किसी और माइग्रेशन एजेंट से ले लीजिएगा

तो वन एट सिक्स वीजा भी आपका थोड़ा सा क्विक हो जाएगा लेकिन वो अगर रीजनल में होता है तो अगर आपका वीजा रीजनल होता है फोर नाइन फोर फोर एट टू या वन एट सिक्स लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर का लोकेशन अगर रीजनल में है तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी तो सबसे पहले अगर वन एट सिक्स होगा तो भी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोसेसिंग होगा तो अगर आपका लेकिन एम्प्लॉयर मेट्रो से है तो उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगा लेकिन स्टिल इट्स अ प्रायोरिटी है ना आप समझ सकते हो कि एम्प्लॉयर को प्रायोरिटी मिल रहा है काफी फास्ट फोर एट टू आपका दो तीन महीने के अंदर अंदर प्रोसेस हो सकता है राइट इफ द एम्प्लॉयर हैज करेक्ट डॉक्यूमेंट है आपके भी डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं तब तो आप इन दैट केस फोर एट टू वीजा का सहारा ले सकते हो अगर आपका एम्प्लॉयर रीजनल है और अगर आपका ऑक्यूपेशन वन के ऑक्यूपेशन में आता है तो आप वन भी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो एंड यू कैन हैव द फास्टेस्ट वीजा एंड यू डोंट हैव टू वेट फॉर ईयर एंड उसके बाद आपने लिखा है कि माई हजबरीयर इन स्टेड माई कंपनी इज टू स्पॉन्सर मी सैलरी हंड्रेड के अगर आप देखिए अगर आपकी सैलरी टू हंड्रेड के है तो वो नए वीजा के वन थर्टी फाइव के ब्रैकेट से ऊपर है तो अगर आप स्किल इन डिमांड वीजा नया आने की वेट करना चाहते हो तो ये जुलाई तक आएगा अभी नहीं आएगा तो अभी अगर आपको आना है अगर आपको वन ईयर का ही टाइम है ना तो ये अगर स्किल इन डिमांड वीजा का वेट करोगे तो ये वन ईयर हो जाएगा है ना यू विल वेस्ट लाइक छ महीने के बाद वो वीजा नया शुरू होगा और उसके बाद जब आपको बेनिफिट मिलेगा तब ऑलरेडी आपका छह महीने आपके हो चुके होंगे सो या डोंट डू दैट एंड बी केयरफुल है ना थोड़ा सा वाइज डिसीजन लीजिए फोर ए टू कीजिए स्किल इन डिमांड का वेट करना थोड़ा सा लेट हो जाएगा आपके लिए एंड आपका वन नाइन पी आर जो आपने लॉन्च किया है वो अपनी तरफ से चलता रहेगा ये फोर एट टू वीजा करते हो या वन एट सिक्स वीजा करते हो उसमें ये वीजा का और उस वीजा का कोई लेना देना नहीं है लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया के दो वीजा एक साथ होल्ड नहीं कर सकते हो दैट मींस कि आप अभी 186 पे भी अभी आपकी कंपनी के थ्रू आपको 186 मिल गया फॉर एग्जांपल व्हिच इज अ परमानेंट वीजा लेकिन आपका 189 जब ग्रांट होगा तब आपको दूसरा परमानेंट वीजा मिलेगा व्हिच सुपरसीड दिस 186 एंड द 190 विल बी इन इफेक्ट सो आप वो 186 के जो तो एम्प्लॉयर के कंडीशन होंगे उससे बाउंड नहीं रहोगे यू विल हैव Independent in in to live in that particular state in Victoria. Thank you. And occupation is software engineer. That's the, great. लेकिन doesn't matter. kya occupation kya hai wo matter नहीं करता है. लेकिन uh, the mat, uh, only matter is is कि what you do. And आपके जो employer क्या करते हैं. लेकिन software engineer आपका है, तो वो 186 के लिए eligible है directly 186 के लिए. So that's great. Uh, so अगर आपके पास minimum three years का experience है न गो फॉर वन एट सिक्स आपको फोर एट टू के लिए जाने की जरूरत नहीं है लेकिन वन एट सिक्स के लिए अगर आपका एम्प्लॉयर मेट्रो में हुआ तो फास्ट ट्रैक आपको प्रोसेसिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन अगर रीजनल में अगर आपका एम्प्लॉयर हुआ तो यस यू विल है फोर एट टू फोर नाइन फोर या वन एट सिक्स आपको सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रोसेसिंग का बेनिफिट मिलेगा सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी राइट uh, सो right. so, सुमन जी के बाद नेक्स्ट सुपरचैट इज फ्रॉम टेक्नो वर्ल्ड सर थैंक यू सो मच आपके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए एंड uh, आपके सारे कमेंट्स के लिए ओके सो मिस्टर टेक्नो वर्ल्ड बता रहे हैं हेलो सर सर फॉर सिविल इंजीनियर्स सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन लिव इन मेलबर्न ओनली कैन प्रोवाइड फॉर विक्टोरिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन लिविंग इन मेलबर्न कैन ओनली अप्लाई फॉर विक्टोरिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाल्यूटली वो दो स्टेट ही अप्लाई कर सकते हैं लेकिन चलो लकी है कि दो स्टेट अप्लाई कर सकते हैं अगर जो लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो ये उनको तो ये फायदा भी नहीं मिलेगा सो यस दैट इज समथिंग बेनिफिशियल जो उनको मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है लेकिन यस आई वु से डिजर्व टू गेट इट गाइज uh, मुझे यहां पे लगता है कि आई नीड टू एड यहां पे भी एक लगा देना चाहिए मैं लिख देता हूं कि नो मोर सुपर चैट्स टूडे ओके बिकॉज uh, मुझे कभी भी निकलना पड़ सकता है सो सॉरी गाइज एक्सट्रीमली माफ़ कीजिएगा ऐसा कोई इरादा नहीं था लेकिन आई डोंट हैव एनी चॉइस और इसका कलर कर देते हैं थोड़ा सा ब्लैक चले ठीक है ये ये चलेगा ओके और राइट सो नो सुपर चैट्स प्लीज आज कोई सुपर चैट और मत कीजिएगा जितने मैंने पहले नहीं बताया था जितने सुपर चैट्स आ गए हैं उतने मैं आंसर कर लेता हूं लेकिन प्लीज और कोई नया सुपर चैट मत कीजिएगा माफ कीजिएगा आज मैं ज्यादा सुपर चैट्स नहीं ले सकता आज थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी है एंड आई हैव स्केड्यूल अपॉइंटमेंट संदीप सिंह जी संदीप सिंह प्लीज माई क्वेश्चन चेक माई क्वेश्चन इन अ कमेंट थैंक यू संदीप जी आपके सुपर चैट के लिए बड़े वाले एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग चैनल विद द सुपर चैट ओके संदीप सिंह क्वेश्चन टू विल इट इफेक्ट एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड विजा फोर एट टू फोर नाइन फोर वीजा और वन एट सिक्स टी आर टी स्ट्रीम संदीप जी यस दैट्स वैसे जब आप टीआर टी स्ट्रीम में जाते हो ना तो टीआर टी स्ट्रीम में एक कंडीशन होता है कि आपका ऑक्यूपेशन जो होता है वो एंसको कोड में होना चाहिए मतलब उसका एक एंस्को कोड होना चाहिए ऑक्यूपेशन uh, कोई भी हो चलेगा लेकिन उसका एंस्को होना चाहिए अब एग्रीकल्चर टेक्नीशियन जो है उसका एंसको इन्होंने रिमूव कर दिया है सो एग्रीकल्चर टेक्नीशियंस आर लाइक सॉरी टू से दिस वर्ड लेकिन लटक गए हैं तो यस आई इफ यू आर इन दैट सेम कोहोर्ट देन इट्स अ प्रॉब्लम यस एंड क्वेश्चन थ्री विल देर बी एनी इफेक्ट ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड सर स्टेट स्पॉन्स में आई एम नॉट श्योर क्योंकि अभी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर टेक्नीशियन का दिखाते हैं तो स्टिल इट्स देयर सो अभी स्किल्ड वीजा में क्या इम्पैक्ट होगा वो आई एम नॉट श्योर लेकिन यस yes. जो एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीजा में स्पेशली टीआर टी स्ट्रीम में जो ये स्ट्रीम है जहाँ पे दे दे हैव हैव स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट में मेंशन किया है कि अगर आप स्ट्रीम में जा रहे हो तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए वेरी बैड मुझे वो पसंद नहीं आया बिल्कुल yeah, okay, लेकिन चलिए अब है वहां पे question 4 on home affairs website still it shows on skill list as a regional occupation yes you are right absolutely right it shows there as an occupation and alternate occupation for agricultural technician ah, <laughs> sandeep ji nahi i am not sure agriculture consultant the karna padega the closest is, uh, uh, is consultant or kuch nahi

ओके okay, संदीप जी थैंक यू सो मच आपके सुपर चैट के लिए uh, प्रसन्ना गिरी जी ने दूसरा सुपर चैट किया है प्रसन्ना जी थैंक यू सो मच लेट्स चेक इट आउट जी के कमेंट्स क्या है प्रसन्ना जी थैंक्स अलॉट फॉर योर सुपर चैट एंड ओके प्रसन्ना जी ने पूछा है कहाँ गए ओके इज देर एनी राउंड uh, uh, yes, हुआ है लेकिन अब कितना बड़ा राउंड हुआ है वो उसका पता नहीं चल पाया है सो so, इसलिए मैंने डिस्कशन आज नहीं ओपन की है हमारे शहीद जी ने भी बताया कि उनका भी इन्वाइट नहीं आया है आज उनके भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, उनका भी round, uh, happened, आज हुआ है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए हैं सेम थिंग विध साउथ ऑस्ट्रेलिया एज वेल साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी राउंड ऐसे वैसे कोई स्पेसिफिक राउंड नहीं हुआ है लेकिन इनविटेशन उन्होंने भेजे मतलब कंटिन्यूसली भेज वो लोग भेजते रहते हैं एंड इन दैट इन्विटेशन समाव देर नियरलीफ द कोटा अपना कोटा फिल होने की कगार पे आउथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा है उनके पास दो सौ या तीन सौ और इन्विटेशन बाकी है आपका नहीं आ रहा है लेकिन अब uh, सॉरी लेकिन वी माइड नॉट बी एबल टू हेल्प इन एनी सॉर्ट्स ऑफ इंसिडेंसिस हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे माफ कीजिएगा उसके लिए Uh, next super chat is from Oswin. Oswin Batara Hehe. Uh, Oswin Ji Ke. Oh my god. Okay. Oswin Ji. Uh, software engineer subclass uh, points 90. Total experience 13 years. A superior English, 5 points for partner English. Got pre invite for NSW nomination today. Hooray! 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 And sharing so others with similar profile can uh, maybe remain helpful. Okay. Thank you, Oswin. आपको पहले तो आपके लिए ये होना चाहिए चलिए काफी आपके इंतजार का एंड हो चुका है आपका इनवाइट आ चुका है तो उन्न ने जो हमें जो डाटा शेयर किया है वो एक बार देख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब क्लास वन नाइनटी पॉइंट्स उनके नाइंटी पॉइंट्स टोटल विथ एक्सपीरियंस थर्टीन ईयर्स उनका एक्सपीरियंस था तो उनके एक्सपीरियंस के फिफ्टीन पॉइंट सुपीरियर इंग्लिश उनके फाइव पॉइंट्स पार्टनर इंग्लिश गॉट प्री इन्वाइट फॉर एन एस डब्ल्यू सो टोटल नाइन्टी पॉइंट्स पे उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे आया है तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और थे जिनका नहीं आया है जिनको इनवाइट uh, uh, एक बार ओसिन जी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक बार एनालिसिस भी कर लेते हैं वन नाइनटी में आपका uh, जो इनवाइट आया है उसका चलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और राइट so, सो अश्विन जी भी काफी हमारे साथ हमारे फैमिली की तरह जुड़े हैं हमसे काफी लॉन्ग टाइम से तो थैंक यू चलिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनका इनवाइट आ चुका है काफी निराशाओं के बीच में राइट अश्विन जी अः ये देखिए ये यहाँ पे उनके टोटल नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड टोटल ईओ जो थे उसमें से अ एन एस डब्ल्यू में टोटल कितने थे एन एस डब्ल्यू में टोटल पांच हजार पचास पांच हजार ई ओ आई थे टोटल एन एस डब्ल्यू के अंदर इस रेस में तो यहाँ पे उन्न जी का नाइंटी पॉइंट पे जो यहाँ से उनका पिक हुआ है आ, उनका ईओ आई नाइन्टी पॉइंट राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाइनटी पॉइंट टोटल एक्सपीरियंस के थर्टीन सो मे बी शायद बिकॉज उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है उनका सुपीरियर इंग्लिश है और uh, uh, yes, that, ये दो रीजन की वजह से और उनके नाइनटी पॉइंट है ये तीन रीजन की वजह से उनका uh, ये अप्रूव हुआ है लेकिन आप सम, आप देख सकते हो कि उनका आगे उनके आगे एक हजार और दो सौ समथिंग थे तो इन सभी का जम करके उनका इनवाइट आ चुका है सो so, बहुत अच्छी बात है अश्विन जी बहुत बहुत आपको बधाई एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन प्लीज एंजॉय दिस मूवेंट इस मूवमेंट को एंजॉय कीजिएगा टूडे इज योर डे सो येस कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड चलिए इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो बट बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू राइट सो अश्विन जी ने सुपरचैट करके हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया है थैंक यू अश्विन जी सो थैंक यू फॉर योर प्रोग्रेस एंड एवरी थिंग बेस्ट ऑफ लक गगनदीप सिंह हाउ मेनी सीट्स लेफ्ट इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सर uh, गगनदीप जी वेस्टर्न uh, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा सीट्स नहीं बचे हैं सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने सारे सीट्स उनके पास 26 2600 सीट्स थे वो तो उन्होंने सारे यूज कर लिए उसके ऊपर उन्होंने कुछ इनवाइट दे दिए हैं तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग ओवर द नंबर ऑफ देयर कैपेसिटी उनकी कैपेसिटी के ऊपर जा रहे हैं सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज लिटिल बिट ऑफ ओवर राइट नाउ थैंक यू प्रदीप संधू जी बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर कंसल्टेंट सेवेंटी पॉइंट्स ड कोर्स uh, अब तभी कीजिएगा जब आप अपना इंग्लिश ठीक कर सकते हो अगर इंग्लिश में ठीक नहीं हो तो अर्ली चाइल्डहुड करने का कोई मतलब नहीं है या फिर अगर आपके पास बैचलर्स हो है ना तो अगर आपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से बैचलर्स की है तो फिर एग्रीकल्चर कंसल्टेंट में जो आपने जो भी कोर्स किया है यहाँ पे तो वो बैचलर्स होना चाहिए और उसके बाद अगर आप एक साल का चार साल का मतलब बेसिकली आप यूनिवर्सिटी स्टडी मीट करते हो तब जाके अर्ली चाइल्डहुड करना फायदा रहेगा या फिर आपको इंग्लिश का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा लेकिन डोंट गैम्बल इट गैम्बल मत कीजिएगा कि भाई चलो हम कर लेंगे इंग्लिश का और बाद, बाद में देखा जाएगा कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में डोंट मेक एनी डिसीजन सो ये आप हमारे देख सकते हो एग्रीकल्चर कंसल्टेंट का बैकलॉग तो एग्रीकल्चर कंसल्टेंट में आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे कि 190 एंड वन नाइनटी पे 70 पॉइंट्स हैं आपके तो 70 पॉइंट्स पे आप यहाँ पे हो एंड uh, आपके आगे इतने लोग हैं और यहाँ पे आप 80 पॉइंट्स पे हो तो यहाँ पे भी विच इज ओके नॉट बैड इतना बुरा नहीं है टोटल uh, अगर आप ये ये कुछ ई जिसमें डबल डब भी होंगे लेकिन अगर आप टोटल देखो तो 400-500 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एक अच्छा राउंड अगर होता है 189 का तो दैट कैन ऑल द वो सारे प्रॉब्लम आपके कर देगा लेकिन जब तक राउंड नहीं होता है तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सो so, प्रदीप जी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा प्लीज थैंक यू एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक थैंक्स ओके योगेश योगेश कनासे जी का है नया सुपर चैट थैंक यू योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुपर चैट के लिए एंड uh, योगेश जी ने बताया है सुपरचैट करके माय फ्रेंड है एम्प्लॉय टू विजाइज ऑक्यूपेशन इज थ्री फाइव डबल वन डबल बेकर विच इज स्किली एस एस और पी प्लीज आंसर थैंक्स ओके योगेश जी अगर आप टीएसएस के लिए जा रहे हो तो टी एस एस इज राइट अगर आप फोर एट टू वीजा जो होता है ना उसको ही टी एस एस वीजा बोलते हैं टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा तो उसका जो स्किल असेसमेंट है वो होगा वो टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा का ही होगा एंड दैट समथिंग यू हैव टू गो फॉर सो अगर आप टी एस एस वीजा कर रहे हो फोर एट टू वीजा कर रहे हो तो आपको टी एस एस का ही स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा ओ एस ए पी में जाने की जरूरत नहीं है So, सो थैंक आपका थ्री टू थ्री टू वन फोर मेटल मशीनिस्ट इन वाइट डिटेल प्लीज थ्री टू थ्री टू वन फोर ओके चलिए क्विकली चेक कर लेते हैं थ्री टू थ्री टू वन फोर ओके थ्री टू थ्री टू वन फोर मेटल मशीनिस्ट फर्स्ट क्लास और राइट सो ये इनवाइट डिटेल्स आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे टोटल फिफ्टी वन ईओ आईज है हे प्लीज ओके सो टोटल 51 ईओआईज हैं हाँ, हमारे पास ऑल टुगेदर सिस्टम में 189 के लिए 190 के लिए थोड़े बहुत ज्यादा है लेकिन ये ज्यादा होते नहीं ये डबल अप ईओआई होता है कि कोई स्टेट के लिए कर लेगा कोई उस स्टेट के लिए कर लेगा राइट right? सो so, आपके पॉइंट्स बताया आपने कितने सर आपने कुछ पॉइंट वन नहीं बताया आपने सिर्फ बैकलॉग मांगा है तो हम आपको देखो ये इनवाइटेड का दिखा देते हैं

स्टोरी ऑफ द दे रहे हैं अश्विन uh, जी अश्विन जी आपको बहुत बहुत फिर से बधाई कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आपका uh, वीजा जल्दी से लॉन्च uh, कर दीजिए आपका सॉरी पहले नॉमिनेशन करना पड़ेगा नॉमिनेशन जल्दी से लॉन्च कर दीजिए एंड अप्लाई फॉर द वीजा एज सुन एज यू गेट नॉमिनेटेड एंड देन वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में आपका स्वागत है थैंक यू सो so, आज के सारे सुपर चैट्स क्लियर हो गए हैं सो वी आर गोइंग बैक टू आर नॉर्मल चैट्स हमारे नॉर्मल चैट्स में वापस जाते हैं और नॉर्मल चैट में uh, हम कहाँ पे रुके थे रिकिन जी स्नेह भट्ट स्नेह जोशी अंकित जी का था uh, स्नेह भट्ट हेलो सर अकॉर्डिंग टू यू विच स्टेट इज बेस्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ओके सैयद जी नैव uh, नैव दरबा जी ओके okay, टेक्नो वर्ल्ड एवी

हेलो सर होप यू आर वेल थैंक यू यूर जी बहुत बहुत अच्छे हैं थैंक सो सारे स्टेट से आपको नहीं मिल सकता है तो यस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सेवी सर व्हाट इज प्रोसेसिंग टाइम फॉर 186 डायरेक्ट वीजा 1 ईयर आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी इंक्लूडिंग स्किल असेसमेंट मेडिकल एंड पुलिस चेक ई नो इट से बट डज इट टेक दिस लॉन्ग ऑलवेज से आपका एम्प्लॉय रीजनल से हो, होता है अगर इफ योअर एम्प्लॉय इज फ्रॉम रीजनल ऑस्ट्रेलिया तो इन दैट केस वन एट सिक्स का टाइम बहुत ही कम हो जाएगा अभी जो नई प्रोसेसिंग प्रायोरिटी आई है उसमें उन्होंने बताया है कि यस डेट्स वर्ट दे आर गोइंग टू डू सो अगर आपका एम्प्लॉयर वन एट सिक्स में है और अगर वो रीजनल एरिया में है तो प्लीज डू दैट आपको प्रायोरिटी मिलेगी लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर मेट्रो एरिया से है तो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तो शायद वन ईयर लेकिन अभी एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर्ड वीजर्स को प्रायोरिटी मिल रही है इसीलिए वो आ, आपको प्रायोरिटी दे सकते हैं तो एक साल शायद ना लगे थोड़ा सा जल्दी मिल जाए आपको लेकिन तैयारी रखिएगा बिकॉज या इट कैन टेक अप टू वन ईयर है ना सो प्लीज अगर आपका ऑक्यूपेशन कोई प्राइमरी ऑक्यूपेशन है इन दैट केस इज अ डिफरेंट स्टोरी बट आपके केस में शायद नहीं है तो या प्लीज बी रेडी थैंक यू मोहम्मद अवेज इफ आई कंप्लीट मास्टर्स हियर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बट पुट ई आई ऑन डिग्री विच आई एम इज फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन ही माई स्ट्रीम विल बी जनरल और ग्रेजुएट सो मोहम्मद अवेज जी इट डिपेंड्स ऑन यू विच वन यू वॉन्ट टू क्लेम अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्ट्रीम में अप्लाई करोगे तब जाके आपको उसमें इन्वाइट आएगा है ना तो अगर आपको वो करना है तो कर सकते हो आप अपना ई ओ आई सबमिट कर दीजिए देन देसिट अगर आप उसमें आप अपना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएशन आपने दिखाया है तो देसिट अकॉर्डिंगली और आपको वो इन्वाइट भेज देंगे और फिर अगर आपको 28 डेज के अंदर अंदर जो रिक्वायरमेंट्स आप मीट करोगे उसके अंदर वो चेक करेंगे कि भाई जो आपने ई में इंफॉर्मेशन दिया था वो सही था एंड इफ एवरीथिंग इज राइट देन यस गुड इफ एवरीथिंग इज नॉट राइट देन नो गुड और राइट सो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो यहाँ पे आप जो केस रहे जो बता रहे हो उसमें मोस्ट लाइकली ग्रेजुएट स्ट्रीम हो जाएगा आपका दुर्भा न्यूज फॉर एन एस डब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया रीजनल फोर नाइन अपडेट अबाउट फॉर एन एस डब्ल्यू एन एस डब्ल्यूनिंग नो एंडोर नाइन पाथवे वन नो नो कोई अपडेट नहीं है सर थैंक यू संदीप सिंह क्वेश्चन वन वेन वॉज एग्रीकल्चर टेक्निशियन वॉज रिमूव ओके संदीप जी के सारे आंसर दे दिए हमने सर इन देंबरशिप सेशन कैन यू थिंक ओवर फॉर गिविंग डिस्काउंट इफ दे आर रजिस्टर्ड क्लाइंट जी आ, आ, सही बात है लेकिन जो हमारे मेंबर्स होंगे उनको हमारे जो कंसल्टेशन जो बुकिंग करेंगे उसमें डिस्काउंट दे सकते हैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका अच्छे एडवाइस के लिए थैंक यू रोहित शर्मा जी सर जी कुछ कृपा करो बॉटनी का भी इनवाइट भिजवा दो काइंडली बैकलॉग दिखा दो नो प्रॉब्लम सर देखिए आपको इनवाइट तो नहीं भिजवा सकते रोहित जी लेकिन आपको चलिए ये कृपा कर सकते हैं आपके बॉटनी का बैकलॉग दिखा सकते हैं वैसे बैकलॉग तो कुछ नहीं है सर है ना बॉटनिस्ट का अगर आप देखो तो देर इज नो बैकलॉग नॉट मेनी पीपल आर अप्लाइंग फॉर दैट आई डोंट नो क्या कहाँ पे हैं इतने सारे बॉटनिस्ट ये देखो लेस देन ट्वेंटी ऑल टूगेदर वर्ल्ड वाइड बीस से कम बॉटनीसिया में अप्लाई कर रहे हैं मिजरी ऑफ दिस ऑक्यूपेशन सी कोई अप्लाई नहीं कर रहा है तो कभी मतलब कोई अप्लाई नहीं करेगा तो इनवाइट भी कैसे आएंगे ये देखो जितने पहले जिन लोगों ने कर दिए थे उन सभी के आ गए थे बीस लोगों के तो अभी तो बीस लोगों के से ही कम है तो अभी इनवाइट भी इतने ही लोगों के आएंगे तो यस इट इज वेरी गुड ऑक्युपेशन थोड़ा सा टाइम बस जो भी मतलब वन का भी राउंड नहीं हुआ है वन एट नाइन का जैसे ही राउंड होता है आपका तुरंत ही नंबर आ सकता है तो यस वेट फॉर इट वन एट नाइन के राउंड का इंतजार करना है आपको बेसिकली आपका ऑक्यूपेशन प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज नाइन का राउंड नहीं हो रहा है फॉर अदर ऑक्युपेशन द प्रॉब्लम है ना ये प्रॉब्लम है तो यस yes, साहब तो यही प्रॉब्लम है थैंक यू सो कैन यू ऑल्सो प्लीज शो मी द बैकलॉग फॉर आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जी आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आपको अभी दिखा देते हैं ओके आईसी टी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ओके और राइट आप आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के सारे बैकलॉग्स थैंक यू और राइट ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है आज हमारा डिस्प्ले लेकिन अब क्या करे अः uh, मुझे सुपर चैट्स नहीं चाहिए थे आज तो और सडनली ये सब हो गया था तो इसीलिए माफ कीजिएगा लेकिन आई नो मेंबरशिप फॉर हाउ कैन आई साइन फॉर द फॉर फ्राइडे सेशन विनीता जी मैंने आपको uh, एक वीडियो भेज देना है आई विल पोस्ट वीडियो हाउ टू साइन अप मैंने साइन अप पूरा कर लिया है तो जो साइन अप का वो जो होगा वीडियो मैं वीडियो साइन अप का वो एक शॉर्ट बना के uh, uh, अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा

for western australia this year i have 95 points oh my god okay uh, प्रिया जी वैसे देखिए आपके पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन Western Australia राइट नाउ वहाँ से थोड़े कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना इज नॉट राइट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है Western Australia से कोई एक्सपेक्टेशन रखना अब आपका कोविड वीजा एट्थ ऑफ मार्च को एक्सपायर हो रहा है सो so, आपका कोविड वीजा का रूल है कितने दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हो फोर वीजा Uh, I forgot, sorry I have to check huh? just a second. AG Australian government endorsed COVID visa. Uh check your eligibility. Mm, COVID pandemic event. Eligibility application made after 22nd before have substantive visa in effect expire less than 28 days ago. Okay, if you apply after 2nd September 23 at the time of application, you must have 28 days less remaining on your current COVID pandemic visa or have held COVID pandemic visa.

which you don't have or you held in covid-19 pandemic visa that expire less than 28 days ago so आप शायद दूसरा वाला रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हो लेकिन उसके उसमें थोड़े से बहुत बहुत नॉट थोड़े बहुत सारे रिस्क है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज कंसल्टेशन बुक कीजिएगा मेरे साथ या किसी और के साथ क्योंकि इसके जो रिस्क है वो समझना जरूरी है तो मैंने आपको जितना समझा सकता था मैंने समझाया यहां पे

सो टाइटल डजेंट मैटर कोई भी टाइटल फार्मासिस्ट असिस्टेंट या कोई फार्मेसी असिस्टेंट या कोई भी आप टाइटल लगा दीजिए टाइटल इज इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर फार्मेसी टेक्नीशियन इट इज ऑलवेज द ड्यूटीज ड्यूटीज आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए जो भी एंसको में ड्यूटीज दी गई हैं वो सारी की सारी ड्यूटी आपको एक्यूरेटली मेंशन करनी पड़ेगी अगर एक दो ड्यूटी भी आगे पीछे हो गई देन यस यू माइट हैव प्रॉब्लम सो प्लीज मेक श्योर ऑल द ड्यूटीज आर गुड थैंक यू Yes zin uh, uh, Mirza hello, what is the backlog for private tutors and teachers Any in Victoria okay uh, nozinji uh private tutors and teachers all right I will show you right away mm, share this uh, uh, private tutors and teachers Anji please take a seat uh, private uh, tutors and teachers. आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे प्राइवेट ट्यूटर्स एंड टीचर्स एंड एंड देयर वी गो ओके थैंक यू सो मच गाइस प्रिया जी आपका शुक्रिया थैंक यू प्रिया जी पूछ रहा है कि व्हाट आर द चांसेस फॉर बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन फॉर 491 इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रिया जी अभी राइट नाउ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एनीथिंग ऑल राइट

तो आईसी सपोर्ट टेक्नीशियन में आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच संदीप जी और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आज फ्राइडे था तो हमने थोड़ा सा क्विक सेशन करना डिसाइड किया था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अदर लिमिटेशन आप थोड़ा सा लेट भी हो गए थे सो सॉरी फॉर ऑल दैट लेकिन अभी जाना पड़ेगा आई हैव टू गो लेकिन आप सभी का वीकेंड अच्छा हो ऐसी आप सभी को शुभकामनाएं Uh, लेकिन अगर आपको कोई वीकेंड में काम इफ यू नीड टू कैन रीच आउट अस हमारा अवेलेबल uh, होगा सो यू कैन रीच आउट अस एनी एनी ऑनअर पब्लिक नंबर्स सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी मेरा नाम है कृणाल नायक फिर से एक बार आपका सभी का थैंक यू सो मच फॉर थ्रू आउट द वीक नेक्स्ट वीक फिर से मंडे को मिलेंगे तब तक के लिए शुक्रिया गुड नाइट है गुड वीकेंड एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आयर चैनल आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी हमारा चैनल शेयर कीजिएगा एंड प्लीज लाइक प्रेस द लाइक बटन एज वेल थैंक यू सो मच मिलते हैं मंडे को हैव अ नाइस वीकेंड थैंक यू